डॉक्टर साहब सर नमस्ते। नमस्ते जी सर। कहाँ पे हो भाई? सर गजरोला हूँ। गजरोला जी। आपने जवाब नहीं दिया मुझे उस दिन। अच्छा सर किस चीज पे साइन होने है? 41 का एक नोटिस भरा जाता। हाँ हाँ उसी में। तो सर मैं किसी को भेज दूंगी साइन करके दे देगा वो तुम्हें। नहीं आपको आने में कोई दिक्कत है? नहीं चलो तो ठीक है सर मैं आ जाऊंगी। मैं परसों छुट्टी होगी मेरी, मैं परसों आ जाऊंगी। परसों आ जाओ तो आप। ठीक है सर और कुछ? बस सर ऐसा ना हो कि हमारे डॉक्टर साहब के साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ हो। कैसे? डॉक्टर साहब तो बिठा लिए एक दिन। नहीं डॉक्टर साहब उठा लिए थे लेकिन छोड़ भी तो दिए थे। सर छोड़ तो दिए थे लेकिन हम पे तो थोड़ी जाम पड़ गई। क्यों? अरे और सर 30,000 रुपए और देने पड़ गए हमें तो। अब वो तो नया एक मुकदमा लिखा गया ना उसमें क्या बताओ क्या करते। 30 का 15,000 रुपए तो। 15,000 थे सर हमसे तो 30 गए। अब वो जो तुम्हारा वो पैरवी कर रहा है वो खा गया होगा उसमें बीच में। हाँ सर ये तो है। अब चाहे उसे तुम बुला लियो मैं आमने सामने हो जाएगी ये बात तो। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो विश्वास है कि सर जब तुमने मेरा इतना साथ दिया है इतना यहाँ तक कि मुझे बचा लिया तो मैं सर मुझे भरोसा है। आप उसे भी ले आना साथ में। अच्छा हाँ अच्छा सर। या उसे ना लाना अपनी उसे ले आना सिस्टर को। सिस्टर तो नहीं आ पाएंगी। क्यों? सिस्टर यहाँ है नहीं। सिस्टर तो गई हुई है बाहर। कहाँ? सर वो नानी के यहाँ गए हुए हैं। हैं? सोनीपत। उन्हें बुलवा लो परसों को साथ ही आ जाइए और साथ ही मैं खत्म कर दूंगा मुकदमे को फिर। तो ठीक है सर। हाँ परसों आ जाओ। सही है सर। अगर मैंने सोचा सर आप वही हो मेरठ में। मेरठ से घूमते भी आ जाती ना। मेरठ नहीं मैं तो हूँ आज तो यही। अच्छा अच्छा। अरे एक बात सुनो जी। उसके चक्कर में मत पड़ना। अच्छा अच्छा। जैसे वो 15,000 खा गया कभी कुछ और कहे ना। सर मैंने चक्कर में नहीं पड़ूंगी मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगी। इन्हें डॉक्टर साहब को भी कह देना कि अपने आप आ जाएंगे आप दोनों को लेकर मैं निपटा दूंगा। वो वाले जो पहले पैसे बता रहे थे वो कितने रुपए दिए थे आपको? वो तो मुझे पूरा पता ही नहीं। अच्छा कितने दिए हैं आपने? 1.5 लाख। डेढ़? हाँ जब तो आओ ना आप आओ इन्हें डॉक्टर साहब को लेकर आमने सामने बात होंगी। अच्छा हाँ 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 आ जाओ आप। सर मैंने तो यही कहा था। मैंने कहा सर ऐसे नहीं कर सकते। सर ने जब मुझे इतनी भीड़ से कुछ नहीं होने दिया तो मैं तो आपको जी सर है ना जी। मैंने नंबर आपका इसलिए तो लिया था। तो कोई दिक्कत नहीं सर मैं हमेशा एकदम तुम जैसे कहोगे मैं वैसे तैयार हूँ। लेकिन एक भरोसे पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आ जाओ परसों। आ जाओ परसों आना 10-11 बजे तक क्योंकि मुझे फिर कानपुर जाना। ठीक है सर और बताओ। ठीक है ठीक 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 है सर। और सर मैं जब मैं कॉल कर लूंगी आपको।